आइए बैठिए. थैंक यू सर. यू आर मिस्टर चिरु? यस सर. इंटरव्यू में बुलाकर आपको 3 घंटा इंतजार करवाया, आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? जिसमें सब्र नहीं होता वो काम के लायक नहीं होता सर. वेरी ट्रू. मैंने अगर आपको ये काम दिया तो ऑफिस में सबसे ज्यादा आप किसको रिस्पेक्ट देंगे? मैं तो बस अपने काम को ही रिस्पेक्ट दूंगा सर. अगर काम नहीं दिया तो? आपको रिस्पेक्ट दूंगा सर. ऐसा क्यों? अभी अगर आप मुझे ये काम नहीं देते हैं तो कल मुझे इससे भी अच्छा काम मिल सकता है सर, और वो काम मिलने की वजह आप ही होंगे सर. इसलिए मैं सिर्फ आपको ही रिस्पेक्ट दूंगा सर. मेरी लाइफ में मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ. इनफैक्ट मेरा ब्लड ग्रुप भी बी पॉजिटिव है सर. आई अप्रिशिएट दैट. थैंक यू सर. आपकी एनर्जी देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है. यू आर अपॉइंटेड. थैंक यू सर. 1 घंटे में आपका अपॉइंटमेंट लेटर तैयार होगा, आप उसे कलेक्ट कर लीजिएगा, उसे रेडी करवाओ. ओके सर. इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं अपॉइंटमेंट लेटर कल आकर ले सकता हूँ सर? क्यों? अर्जेंटली एक इम्पोर्टेंट पर्सन को थैंक्स बोलना था सर. काम मिल गया इसलिए? जी हाँ सर. ओके कैरी ऑन. थैंक यू सर. सॉरी मैडम, आपको मैंने फेंक दिया था. दरअसल आप ही मेरी लकी देवी हो, आपकी वजह से ही तो मुझे ये काम मिला है. इस दुनिया में आप कहीं भी रहो, मैं आपको ढूंढकर थैंक्स कहूंगा. चिरु, हाँ? अकेले में क्या बात कर रहा है तू? मैं अकेले बात नहीं कर रहा था, जिस देवी ने मुझे काम दिलवाया उससे बात कर रहा था. क्या काम दिलाई वो देवी? तो और क्या, तुमने मुझसे कहा था कि भगवान का दर्शन करके जाऊंगा तो सब अच्छा होगा. तो मैं भगवान का दर्शन करने खिड़की के पास गया तो वहाँ पर मुझे ये फोटो मिल गई. पहले तो मैं कुछ समझा ही नहीं और इस फोटो को अपशकुन समझकर ऐसे ही कोने में फेंक दिया. लेकिन इसे देखने के बाद मुझे एक अच्छी नौकरी मिली. तुम दोनों ने इन्हें कहीं देखा है क्या? इसे मैंने तो नहीं देखा. तूने कहीं देखा है क्या? नहीं, मैंने भी कहीं नहीं देखा. मैं नहीं जानता इसे. तो फिर भला ये फोटो आई कहां से? अच्छा भाई, जॉब मिली है तो उस खुशी में पार्टी वार्टी नहीं दे रहे हो क्या? जैसे ही फर्स्ट मंथ की सैलरी मिलेगी मैं तुम्हें दे दूंगा. अरे यार, तेरी पहली सैलरी आने तक हम सब्र नहीं कर सकते भाई. इस खुशी में हम लोग अपनी तरफ से एक पार्टी रखेंगे. ठीक है ना? ठीक है.